नवी मुंबई महानगर पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन में नई पहल करते हुए दो ऐसी मोबाइल टॉयलेट बसें मंगवाई हैं जो नागरी सुविधाओं में नया रंग भरेंगी। नागरिकों को लुभाने के लिए इन बसों पर डूडल पेंटिंग की गई है जो इसे इको सिटी की सुविधा का लुक देती हैं। महानगर पालिका इन मेल और फीमेल टॉयलेट बसों को ऐसे ठिकानों पर खड़ा करेगी जहाँ फिलहाल शौचालय नहीं है। TV1 इंडिया रिपोर्टर ने लॉन्चिंग से पहले इन बसों का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं क्यों खास हैं ये डूडल बसें। नवी मुंबई को पिछले साल देश की दूसरी सबसे लिवेबल सिटी का खिताब मिला था। इसका कारण है नवी मुंबई का STP प्लांट, घन कचरा व्यवस्थापन, 24 घंटे पानी की व्यवस्था और परिवहन सुविधा। इसी सुविधाओं में एक और सुविधा जुड़ने जा रही है जिसका नाम है मूवेबल टॉयलेट। मेरे पीछे जो बसेस खड़ी हैं ये मूवेबल टॉयलेट्स हैं, अर्थात अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं या फिर आने वाले समय में आप नवी मुंबई की यात्रा करने वाले हैं तो आपको जगह जगह पर ऐसी बसेस खड़ी मिल सकती हैं, क्योंकि नवी मुंबई में जगह कहीं कहीं कम है या फिर कई अन्य कारण जिसकी वजह से परमानेंट पब्लिक टॉयलेट नहीं क्रिएट की जा सकती। इसलिए महानगर पालिका ने ऐसी जगहों के लिए इस तरह के टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये रंग बिरंगी बसेस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अच्छा फील कराने के लिए इन्हें कलरफुल बनाया गया है। इनमें अलग अलग तरह की आर्ट तैयार किए गए हैं। जो हैं ये लेडीज़ बस है और जो ये हमारे सामने बस खड़ी है ये जेंट्स लोगों के लिए है, और इन्हें हो सकता है या तो एक ही जगह दोनों बसेस लगाई जाएं या फिर अलग अलग स्थानों पर इन बसेस का इस्तेमाल कराया जाए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।